हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल की जो सीरीज थी हमारी भौतिक विभाजन हमने अभी तक पढ़ा, आज हम उसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और आज हम जलवायु के बारे में बात करेंगे। जलवायु और उसके बरसात कितनी होती है, मिट्टियाँ, ये सभी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। अगर हम जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु पर्याप्त पर जून से या फिर जुलाई मान सकते हैं, जुलाई से सितंबर तक बरसात होती है। बेसिकली जून से शुरू हो जाती है 15 जून के आसपास, लेकिन मुख्यतः वर्षा जो होती है वो जुलाई से सितंबर तक होती है। अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है वो भिंड जिले में होता है। यहाँ भिंड जिला है सबसे अधिक तापमान। यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है और सबसे ठंडा जो जिला है वो शिवपुरी है। शिवपुरी सबसे ठंडा जिला है। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सबसे अधिक तापमान यहाँ पर भिंड जिले में होता है और सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है शिवपुरी जिले में। सबसे ठंडा जिला शिवपुरी जिला में। अगर बरसात की बात करें तो होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम है यहाँ पर पचमढ़ी है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है और सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। भिंड ग्वार यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार ये हमारी जलवायु की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बरसात की बात करें तो बरसात का एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखिए मुख्यतः हमारे मध्य प्रदेश में बरसात दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, क्योंकि भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। जैसे अगर हम भारत की एक इमेज बनाए ये भारत है, यहाँ से ये विषुवत रेखा है नीचे देखें हमेशा उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। जो हवाएं आती हैं वो ऐसे आती हैं। भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है, क्योंकि भारत में ही मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है, मध्य प्रदेश भी उसी का हिस्सा है। इसीलिए मध्य प्रदेश में भी जो बरसात होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगर हम देखें भारत में इधर अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी, हमारा मानसून दो भागों में बट जाता है। इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक है अरब सागर की शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्योंकि यहाँ लो प्रेशर रहता है राजस्थान में गर्मी पड़ने के कारण, इसलिए ये जो हवाएं ऐसे मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश में दो शाखाओं से बरसात होती है, एक होती है अरब सागर की शाखा उसकी होती है इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी
दो शाखाओं से बरसात होती है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो बरसात होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, अरब सागर से कम होती है हमारे मध्य प्रदेश की बरसात। इसलिए अगर हम देखें तो वर्षा का जो वितरण है वो ऐसा है कि यहाँ से ऐसे करके अगर इसको पढ़ लें तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, लगभग पचास से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, या फिर एक आई 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यह वर्षा होती है। अगर हम इधर देखें इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये जो क्षेत्र है वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा रिकॉर्ड की जाती है वो यहाँ होशंगाबाद में पचमढ़ी में की जाती है, 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो सबसे ज्यादा जो बरसात होती है पचमढ़ी में होती है हमारे, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है और सबसे कम वर्षा भिंड के गौहद जिले में होती है। ये भिंड है यहाँ, और यहाँ पर गौहद में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा भिंड के गौहद में, सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिक मात्रा वर्षा होती है। तो ये हमारा वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण ऐसा है कि अगर हम देखें तो पूर्व से पश्चिम दिशा में इधर जाने पर बरसात की मात्रा कम होती जाती है, और दक्षिण से उत्तर जाते हुए भी बरसात की मात्रा कम होती है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो पचमढ़ी में हो रही है, सबसे कम भिंड गौहद जिले में हो रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी के लिए एक डायग्राम बनाएंगे कि मिट्टी कौन कौन सी कहाँ पाई जाती है। देखिए, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि यहाँ बरसात कम होती है वहाँ पर पेड़ पौधे भी कम होंगे, एक फॉरेस्ट कवर भी उधर कम पाया जाएगा। तो दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में हमारे फॉरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट होती हैं। अगर हम देखें दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में बरसात अधिक होती है तो जंगल अधिक होंगे, तो जंगल अधिक होंगे सिंपल सी बात है हमारे राष्ट्रीय उद्यान अधिक होंगे, और राष्ट्रीय उद्यान के साथ में जनजातियाँ भी अधिक मात्रा में इधर ही पाई जाएंगी। चलिए दोबारा से हम बनाते हैं मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश बन गया है हमारा। अब हम देखते हैं इसमें मिट्टियां क्या है, मिट्टियां कौन कौन सी किधर पाई जाती है। अगर यहां से इधर देखें तो यहां पर श्योपुर जिला है, यहां मुरैना है, यहां पर भिंड है, यहां पर ग्वालियर है, ये ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड है, श्योपुर है, इधर चले जाएंगे नदी आ जाता है, यहाँ पर सुपरी आ गया, सुपरी थोड़ा सा बना का क्षेत्र और अशोकनगर का थोड़ा सा क्षेत्र, तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है और इसमें थोड़ा सा ये एरिया आ जाता है नीमच और मंदसौर। तो ये जैसे कि इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कौन सी पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा पाई जाती है इस क्षेत्र में, जलोढ़ मृदा मिलती है। जलोढ़ मृदा का मतलब क्या होता है, जो जल के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है।
अर्थात जल के साथ बहकर आई हुई मिट्टी जल और मृदा कहलाती है। जैसे हम देखें बरसात होती है तो नाला आता है और नाले के बाद में जो परतों पर मिट्टी किनारों पर मिट्टी परत बन जाती है वो क्या होती है, मिट्टी बहकर आती है, इसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा बेसिकली दो प्रकार की होती है, बांगर और आगर। आगर बांगर क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। आगर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है काली मृदा। और ये जो क्षेत्र है छोटा सा, इसमें है गहरी काली मृदा, ये जो ऊपर का क्षेत्र दिख रहा है आपको ऐसे करते हैं, इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी का मतलब क्या है, लाल काली पीली सभी मिश्रित मिलती है। और यहां पर इस क्षेत्र में छोटा सा जो क्षेत्र है इसमें जो मिलेगी वो है लैटेराइट मृदा। साथ में लाल मृदा, लैटेराइट मृदा जो है छोटा सा क्षेत्र है, इसको ऐसे हम बना सकते हैं क्योंकि सबसे अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ लैटेराइट मृदा मिलती है। तो लाल मृदा का क्षेत्र ऐसे इधर भी हो सकता है थोड़ा सा। चलिए तो ये जो है मिश्रित मिट्टी, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा यहाँ भी मिलेगी आपको होशंगाबाद पचमढ़ी में लैटेराइट मृदा मिलेगी। ये मिट्टी है, इन मिट्टियों की बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को कादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा क्या होती है, जल के साथ बहकर आई हुई मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है, या फिर जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाएगी, जलोढ़ मृदा कहलाएगी। ये हमारे मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ही पाई जाती है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सुरभी, दतिया, इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे अच्छा गुण ये है, इस मिट्टी में सभी खनिज पदार्थ मिलते हैं क्योंकि ये एक जगह से नहीं आती है, बहुत सारी जगह से आती है, तो अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ इसमें मिल जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ होती है। सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा होती है। तो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें सभी खनिज पदार्थ लेकर आते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए इस मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। दूसरी चीज जल के साथ बहाकर लाई गई इसलिए जलोढ़ कहते हैं, लेकिन इसमें खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में और मिट्टियों की तुलना में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक उपजाऊ ये मिट्टी होती है। अगर हम इस मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपरदन हुआ है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन हुआ है, मृदा अपरदन हुआ है। मृदा अपरदन क्या होता है, जल के द्वारा मिट्टी का कटाव किया जाता है, जैसे मृदा अपरदन कहते हैं। ये बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे बूंद अपरदन है, खड़क अपरदन है, गली अपरदन, अवनलिका अपरदन। तो यहाँ पर अवनलिका अपरदन हुआ है जिसके कारण क्या है, अलग अलग तरीके की संरचनाएं बन गई है, मिट्टी का कटाव होने के कारण संरचनाएं बन गई है जिनको बीहड़ कहा जाता है या फिर उत्खात भूमि कहा जाता है। ये भूमि कृषि करने के योग्य नहीं बची है, यहाँ पर पहले डाकू रहा करते थे इसलिए इसको बाघे पकड़ भी कहा जाता है। आप लोगों ने पान सिंह तोमर मूवी भी देखी होगी, उसमें बताया गया है कि बागी को इसी क्षेत्र से संबंधित रखते थे। तो ये जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है। दूसरी हमारी मृदा की बात करें, दूसरी मृदा कौन सी है, काली मृदा है।
काली मृदा जहां की क्रिया के द्वारा बसाल्ट चट्टान से निर्मित है, बसाल्ट चट्टान बनी, बसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का विकास हुआ। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी भी है, रेगुड़ या रेगुड़ मिट्टी भी है। इसको सेल्फ जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, सेल्फ जुताई मिट्टी, क्योंकि पानी गिरने पर यह चिपचिपी हो जाती है, चिकनी हो जाती है और सूखा पड़ने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपने ये गाना भी सुना होगा कि आज रपट जाए, कई बार रपटे भी होंगे आप लोग। तो इस काली मिट्टी का ये विशेषता है कि जब पानी गिरता है तो ये चिपचिपी हो जाती है, चिकनी हो जाती है और जब भी सूखा पड़ता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको सेल्फ जुताई मिट्टी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी है, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका काला रंग इसलिए है क्योंकि इसमें लोहा अधिक पाया जाता है, काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। और इस क्षेत्र में अगर हम देखें पूरे मालवा के प्रकार में एक क्षेत्र में ये फैली हुई है, मालवा के प्रकार में बहुत सारे जिले आते हैं, यहाँ इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, धार है, अलीराजपुर है, यहाँ पर झाबुआ है, अलीराजपुर है, बदलाव है, पूरा क्षेत्र शाजापुर, आगर मालवा, शाजापुर, ये पूरा पूरा राजगढ़ और ये सीहोर, भोपाल, ये पूरा पूरा भोपाल यहाँ आ जाएगा, विदिशा, ये पूरा पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर आप बड़वानी देखेंगे, खरगोन देखेंगे, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, खंडवा और बुरहानपुरी, पूरे पूरे जिले इसमें आ जाते हैं, पूरे जिले इसमें शामिल होते हैं। इसमें काली मिट्टी विकास हुआ है और गहरी काली मिट्टी का विकास भी नंदवा है इसके पास ही, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल वगैरह जिले आ जाते हैं, जौनपुर का क्षेत्र भी इसमें आता है। और मध्य प्रदेश में जो नर्मदा सोन घाटी है वो उसका क्षेत्र भी इसमें गहरी काली मिट्टी में आ जाता है। तो काली मिट्टी का विकास बसाल्ट चट्टान से हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी है। ये कपास की खेती के लिए जानी जाती है, इसको सेल्फ जुताई मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसके पानी गिरने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखा पड़ने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसका काला रंग इसलिए है क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है। तो काली मिट्टी का विकास ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा किस क्षेत्र में पाई जाती है, पूरा मालवा और कटार इसमें आता है, साथ में और क्षेत्र भी आते हैं जो बैतूल वगैरह है, बैतूल का छिंदवाड़ा है, वहाँ तक पहुँचती है, पूरा पूरा ये क्षेत्र इसमें समा जाता है। देखिए विस्तृत मिट्टी की जरूरत नहीं है पढ़ने की, लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा जो है पूर्वी मध्य प्रदेश या दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लाल मृदा का विकास ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है, बेसिकली नीच चट्टानों से हुआ है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण हुआ है। इस मिट्टी में अगर देखें हमारे मध्य प्रदेश में तो इस मिट्टी में धान की खेती अधिक मात्रा में होती है। इसी मिट्टी का दूसरा नाम, दूसरा एक रूप है जिसका नाम है लैटेराइट। इसी मिट्टी का दूसरा रूप क्या है, लैटेराइट। लैटेराइट क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, जहां अधिक मात्रा में बरसात होती है, अधिक मात्रा में बरसात होने के कारण जो इसके पोषक तत्व हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं पानी के साथ बहकर, इसलिए इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए इसको लैटेराइट कहने लगते हैं। तो लाल मृदा में पोषक तत्व जो होते हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे चले जाते हैं। वो किस जगह होता है, जहाँ पर बरसात की मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा में बरसात होने के कारण लाल मृदा के पोषक तत्व पानी के साथ बहकर जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी इसमें हो जाती है, इसलिए इस मिट्टी को लैटेराइट मृदा भी कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में और पचमढ़ी में ये मृदा हमारी पाई जाती है लैटेराइट मृदा, इसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, ये बेसिकली पहाड़ों पर अधिक मात्रा में मिलती है। तो ये हमारी मिट्टियाँ हैं और इन मिट्टियों का क्या क्या उपयोग है अगर देखें तो हम लोग इधर देखें तो सबसे ज़्यादा मालवा कटार में उत्पादन होता है गेहूँ और सोयाबीन का, काली मिट्टी में इसका विकास होता है, काली मिट्टी में इसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, लेकिन काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए
अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नॉर्मली एक डायग्राम बनाएंगे राजधानियों, हमारे मध्य प्रदेश की कई सारी राजधानियाँ, एक प्रशासनिक राजधानी है, उसके अलावा भी राजधानियाँ होती हैं कि कौन कौन सी राजधानी है, कहाँ है, क्या है। देखिए मैं आपको डायग्राम से बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो विधि है इसके द्वारा आप लोग ये पाएंगे कि आपको जिले आसानी से याद हो जाएंगे, आपको जिले आसानी से याद होंगे, इसलिए हम लोग इस विधि को अपना रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग सभी जिलों को आँख बंद करके घूमते हुए चले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए राजधानी, आपको ये पता है कि हमारे भोपाल शहर, भोपाल को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। प्रशासनिक राजधानी का मतलब क्या है कि हमारा जो प्रशासन चलता है वो कहाँ चलता है, भोपाल से चलता है, जो सरकार जो चलती है भोपाल से चलती है, प्रशासनिक राजधानी। शिवपुरी जो शहर है इसको सिंधिया की शिवपुरी को सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। यहाँ एक जिला है जिसका नाम है छतरपुर में खजुराहो एक जगह है। खजुराहो को स्थापत्य कला एवं स्थापत्य कला की कला एवं स्थापत्य राजधानी कहते हैं। इसी के पास में एक आगे को सतना जिला है, सतना में महर है या मैहर जिसको कहते हैं, इसको संगीत राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत राजधानी कहते हैं। यहाँ कॉर्नर पर ये जो जिला है वो है सिंगरौली, इसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहां पर बालाघाट है, बालाघाट को मैग्नीज राजधानी कहते हैं, मैग्नीज राजधानी कहते हैं। यहां एक जिला है, यहां पर भेड़ाघाट है, इसका नाम है जबलपुर, भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात यहाँ है, इसको संस्कार राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कार राजधानी कहते हैं। अगर हम इधर चले जाएं इंदौर, तो इसके एक तो खेल राजधानी है, एक आर्थिक राजधानी है, और औद्योगिक राजधानी है। व्यावसायिक राजधानी कहते हैं, इतने सारे नाम इसमें आते हैं। कपड़ों की राजधानी भी कहते हैं, ये हमारे इंदौर शहर है, मिनी मुंबई जिसको कहते हैं, तो इसके इतने सारे नाम हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले और बताया था कि यहाँ पर होशंगाबाद नर्मदापुरम है,
पचमढ़ी या नर्मदापुरम में है, पचमढ़ी है, जिसको मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी इसको हम लोग कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी क्या है? पचमढ़ी है। या फिर एक चीज और कहते हैं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है या पर्यटन राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की जो बेसिकली राजधानियां हैं वो ये हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमारी आज की क्लास थी। हम लोगों ने इसमें समझा कि हमारी राजधानियाँ बेसिकली तो कही जाती हैं। बेसिक प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? भोपाल है। ये राजधानियाँ कही जाती हैं। साथ में हमने जलवायु भी देखी, मिट्टियाँ देखी। ये सभी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए। थोड़ा सा सिंधिया की राजधानी कौन सी है? सुपरी है। सिंधिया राजा यहाँ पर शिकार करने आते थे पहले सुपरी में। ग्वालियर चूंकि उनका राज्य था पूरा, तो वहाँ से ग्रीष्मकालीन राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गर्मियों में ही ये लोग यहाँ आते थे। छतरपुर में आप देखें कि चंदेलों ने छतरपुर में खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं, इसलिए इसको स्थापत्य कला की राजधानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खान सरोद बालक थे सतना के मैयर में, ये जन्मे थे वहीं पर, इसलिए तो ये प्रसिद्ध कलावादक सरोद वादक के कारण इसको संगीत राजधानी कहा जाता है। मैयर, मैयर में एक माता का मंदिर भी है, यहाँ पर यही कहा जाता है कि अभी भी अलाउद्दीन की पूजा करने के लिए आते हैं। सिंगरौली की पूजा राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला निकाला जाता है। मैग्नीज राजधानी सबसे ज़्यादा बालाघाट में मैग्नीज प्राप्त होता है। संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। और इंदौर में आप जानते हैं उद्योग कितना विकसित हुआ है, इसलिए इसको औद्योगिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी ये सभी चीज़ें कही जाए। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपको डाउट्स है कुछ भी तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ में हमारे महिमा इंस्टीट्यूट सुपरी की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस कल। नमस्कार।